ॐ श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, तारीख 8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में खग्रास चंद्र ग्रहण मंगलवार को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 2:39 से दोपहर से और 6:19 तक, शाम के 6:19 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर भारत में खग्रास तथा शेष भारत में खंडग्रास रूप में ही चंद्रोदय के समय पर ग्रसा हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसका असर भारत पर रहेगा। इस ग्रहण को उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अटलांटिक सागर, पैसिफिक सागर, पश्चिमी अर्जेंटीना, चीनी, चिली, बोलीविया, पश्चिम ब्राज़ील, चीन, पूर्वी रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, फिजी, थाईलैंड, जापान आदि देशों से भी देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं कि इसमें सूतक का क्या समय है। मित्रों, 8 नवंबर 2022 में मंगलवार में प्रातः 8:29 से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब सूतक में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मित्रों, सूतक में बाल, वृद्धि, रोगी, पहले इन तीनों को अलग कर दीजिए। बच्चे को, बूढ़े को और रोगी को, आसक्त जनों को छोड़कर किसी अन्य को भोजन और शयन नहीं करना चाहिए, ना ही तो भोजन करना चाहिए ग्रहण काल में और ना ही उसको सोना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन गर्भवती स्त्रियों के उदर में शिशु पल रहे हैं, जिन गर्भवती स्त्रियों के उदर में यानी कोख में शिशु पल रहे हैं, उन्हें ग्रहण जन्य सूतक दोष के समय अपने पास कोई भी धारदार चाकू या छुरी नहीं रखना है, ना ही उन्हें चाकू या छुरी का प्रयोग करना है। इससे काफ़ी घातक प्रभाव शिशु पर पड़ता है, इसलिए कोई भी चाकू छुरी पास में न रखें और न ही चाकू छुरी का कार्य ही आप करें। सब्जी इत्यादि कुछ भी उस समय न काटें, ना ही आप शयन करें, ना ही आप भोजन करें, जितना हो सके उस समय बचे। और अगर भोजन करना ज़्यादा ही आवश्यक हो तो उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालकर या गंगा जल डाल करके आप उस भोजन को कर सकते हैं। ऐसे में आपको गर्भवती स्त्रियाँ मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते रहें। इससे शिशु पर किसी प्रकार का ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते तेहि मे तन्यम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। ये गोपाल मंत्र का अभी आप जाप कर सकती हैं, ये भी उसके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो सोने से और भोजन से आपको बचना है, यह कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई धारदार चाकू नहीं रखना है, ना ही चाकू का प्रयोग करना है। और भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के मंत्रों का आपको ग्रहण काल के समय में जाप करते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब और लोगों के लिए ग्रहण काल में वे क्या कर सकते हैं और क्या उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मित्रों, जितना ग्रहण काल में दान पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है, उतना ही पाप और ऐसे कार्यों में जिनसे पाप एकत्र हो, ऐसे कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना पुण्य का फल मिलता है, उतना ही अगर हम ग्रहण काल में पाप करते हैं, पाप करने में जैसे संभोग रति क्रिया, झूठ बोलना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के मन को ठेस पहुँचाना, ये कार्य बिल्कुल भी ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ही पाप एकत्र होता है जो हमें भोगना पड़ता है। ग्रहण काल में जितना हो सके पुण्य कार्य करें, मंत्रों का जाप करें। किसी मंत्र की सिद्धि करनी हो तो उस मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं, ग्रहण काल में वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जितना हो सके दान पुण्य करें, क्योंकि ग्रहण काल का किया हुआ जो दान है वह महान पुण्य को देने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मित्रों, जो सूर्य ग्रह के कारण से जो पीड़ित हैं उनको तांबा, गुड़, गेहूँ, मसूर दाल का दान करना चाहिए। चंद्रमा से जो लोग पीड़ित हैं उनको चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री और श्वेत वस्त्र, श्वेत फूल का दान करना चाहिए, चंदन का दान करना चाहिए। मंगल से जो पीड़ित हैं उनको गुड़, गेहूं, माचिस, तांबा, स्वर्ण, गो, मसूर दाल, रक्त चंदन का दान करना चाहिए। जो बुध से पीड़ित हैं उनको मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी, फूल, कांसे का बर्तन और हाथी के दांत और कपूर का दान करना चाहिए। जो
गुरु से पीड़ित हैं, बृहस्पति से पीड़ित हैं, उन्हें चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़, पीला फूल, घी और सोने की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो शुक्र से पीड़ित हैं, उनको चांदी, चावल, दूध, सफ़ेद कपड़ा, घी, सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती का दान करना चाहिए। शनि से जो पीड़ित हैं, उनको सरसों के तेल का दान, उड़द, काली उड़द, काले तिल और लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। राहु से जो लोग पीड़ित हैं, उनको चाय की पत्ती, अगरबत्ती, काला सफ़ेद कंबल और सिक्का का, जो रांगे का सिक्का है, उसका दान करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग केतु से पीड़ित हैं, केतु वाले काला वस्त्र, काले तिल, चमेली का तेल, लहसुनिया, चिकतभरा कंबल, साबुत उड़द और काली मिर्च का दान करना चाहिए। ग्रहों के अनुसार जो जिस ग्रह से पीड़ित है, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा के पता करवाएं और उसके अनुसार आप ग्रहण काल में दान करें। जिनकी कुंडली में मुख्य रूप से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोष है, वह राहु और केतु का मुख्य रूप से ग्रहण काल में दान करें तो विशेष लाभ होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञान मिला होगा। इसको लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।